हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप के अंदर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे? जब भी दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को किसी दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन करते हो तो दोस्तों आपके पास ओटीपी आता ही नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को उस फोन के अंदर लॉगिन नहीं कर पाते हो। दोस्तों, ये प्रॉब्लम कैसे ठीक करोगे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखना। वीडियो देखने के बाद यदि आपकी प्रॉब्लम ठीक जाए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ, एक चीज और दोस्तों, अपने फैमिली परिवार में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी प्रॉब्लम ठीक हो सके। चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, और दोस्तों इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपना मोबाइल फोन के अंदर व्हाट्सअप ओपन कर लिया हूँ, और मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रॉब्लम ठीक करके दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग एंड तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले मैं अपने इस फोन के अंदर जो पुराना व्हाट्सअप था ना, उसे मैंने डिलीट कर दिया है, नया व्हाट्सअप को डाउनलोड किया है, और आप भी सेम ऐसे ही करना। आपके साथ भी यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब भी दोस्तों यहाँ पे अपना कंट्री कोड चूज कर लेते हो, और यहाँ पे उसके बाद फोन नंबर डालते हो, तो दोस्तों फिर भी आपके पास ओटीपी जो है ना वो आता ही नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपके सामने लाइव यहाँ पे नंबर डाल दिया हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और कनेक्टिंग के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो अपने आप ही कनेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे यस के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा, अब यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्टिंग कोड। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने व्हाट्सअप के अंदर यानी कि ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और व्हाट्सअप को नहीं चला पा रहे हैं। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे 6 डिजिट का कोड मांग रहा है, और ये कोड काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ओटीपी आएगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं। ये प्रॉब्लम दोस्तों कब और किस समय आती है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इससे पहले ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये जो व्हाट्सअप है ना, मैं इस नंबर को किसी दूसरे फ़ोन में चला रहा था, और मान लो उस फ़ोन से लॉग आउट नहीं है, और इस फ़ोन के अंदर मैं दूसरे फ़ोन के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल देख लो, ये जो नंबर है ना अभी इस फ़ोन के अंदर लॉगिन है, तो अब यहाँ पे दोबारा मुझे किसी दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 6 डिजिट का कोड डालना होगा, जो कि दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आएगा। यहाँ पे ये साफ साफ बोल रहा है, इंटर दिस वेरिफिकेशन कोड ऑन योर न्यू फोन। मैं यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं आपके सामने एक कोड डालूंगा ना, जैसे कि यहाँ पे 272, इसके बाद 564, मैं जैसे ही लास्ट वाला यहाँ पे डिजिट डालूंगा दोस्तों, ये जो मेरा फ़ोन है ना, व्हाट्सअप अपने आप ही वेरीफाई कम्प्लीट हो गया, इस फ़ोन से लॉग आउट हो गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब ये जो मेरा व्हाट्सअप है ना, इस फ़ोन के अंदर लॉगिन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो मैं नॉट नाउ या फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से मेरा अलाउ करूँगा परमिशन, और परमिशन को अलाउ करने के बाद जो मेरा व्हाट्सअप है ना, इस फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक ही चालू हो जाएगा। मैं इसे स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना नाम वगैरह लिख देता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ये ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होगी कि मान लो आप किसी पुराने फ़ोन में अपना व्हाट्सअप चला रहे हो, नए में जब आप ओपन करते हो तो आपके साथ ऐसा, आप ये सोचते हो कि ओटीपी आएगा, बट दोस्तों ओटीपी नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड जाता है 6 डिजिट का। तो इस वजह से दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आप अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप को नहीं चला पाते हो, वेरीफाई नहीं कर पाते हो, लॉगिन नहीं कर पाते हो। बट दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है वो 100% दोस्तों सोल्व हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और हाँ दोस्तों अपने फैमिली परिवार में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, ताकि दोस्तों उन्हें भी इस प्रॉब्लम के बारे में पता चल सके, और वीडियो देखने के बाद वो इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।